हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी हमने जन्माष्टमी किस तरीके से सेलिब्रेट की। हमारे पास दो गाना जी है, हमने उनको पंच अमृत से नहलाकर उनको अच्छे से रेडी कर दिया। अब हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी। हमने भोग में रखी है 3-4 तरह की मिठाई जो घर पर ही बनी हुई थी। खीर बनाई थी मखाने की जो भगवान जी को भोग के लिए लगाया गया था। अब हम कर रहे हैं आरती। झूला भी झुलाया सब घर वालों ने मिलकर। बहुत बहुत अच्छे से हमने अपने छोटे से कान्हा जी का वेलकम किया। सारे परिवार वाले ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जन्माष्टमी। अब हम भगवान जी को माखन मिश्री का भोग भी तैयार किया था जो हम भगवान जी को खिलाने वाले हैं, जो कान्हा जी को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। माखन चोर भी बोलते हैं हम अपने कान्हा जी को। ये देखिए कितने मज़े से खा रहे हैं। हमने छोटे छोटे बच्चों की झांकियाँ लगाई थी। ये हमारे प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ये बहुत नटखट है हमारे कान्हा जी। रेऊ रियांश नाम है इनका। राधा जी भी बहुत प्यारी लग रही थी हमारी। तो ऐसी झांकियाँ तैयार की थी तो सबको बहुत अच्छा लगा। सब ने बहुत मस्ती की। इन्होंने अपना माखन किसी के साथ शेयर नहीं किया था। तो इस तरीके से हमने बनाई, आपने भी इस तरीके से बनाई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।